गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पूर्ण विश्राम जो है पाठ क्रमांक 8 आठवीं कक्षा का, उसमें डॉक्टर साहब ने लेखक को सलाह दी थी कि आप अपने स्वास्थ्य की चिंता मत कीजिए क्योंकि आपको बहुत कुछ परेशानी नहीं है, आपको बस थोड़ी सी परेशानी है और उसका इलाज मेरे पास यह है कि आप थोड़ा सा जाकर बाहर कुछ दिनों तक बाहर घूम आइए, पूर्ण विश्राम कर लीजिए तो आपका स्वास्थ्य वापस फिर से ठीक हो जाएगा। लेखक जो है वो डॉक्टर की बात को सुनते हैं और अपनी पत्नी के साथ में बाहर घूमने के लिए, जुहू घूमने के लिए 2 दिन के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। आपने देखा था कि किस तरह से इस दौरान उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का जो अरेंजमेंट है कि हम जब जुहू जाएंगे तो हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो, तो वह अपना जो पैकिंग है उसे करना शुरू कर देते हैं। अब जो बचा हुआ भाग है वो हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या होता है। श्रीमती जी से लेखक कहते हैं कि और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना और देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिनों से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी, यूँ तो वक्त भी नहीं मिलता। और जरा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं, चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? बच्चों, इस परिच्छेद के दौरान आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये दोनों जन जो हैं, दोनों लोग हैं, पति पत्नी, एक दूसरे की जो सहायता है याद दिलाते जा रहे हैं, सामान रखते जा रहे हैं। क्योंकि इस परिच्छेद से आपको एक बात उन्होंने बताई, एक संदेश दिया है लेखक ने कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं या किसी ज़रूरी काम के लिए जाते हैं या पर्यटन हो जाए या कहीं भी चले जाएं, तो जो हमारे परिवार के लोग होते हैं उनके साथ में सहयोग भावना रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो भी काम है वह सफल हो जाए। और इसी तरह से आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि कभी एक एक चीज़ों को जो है याद दिलाया जा रहा है एक दूसरे को ताकि वे भूले नहीं। और यहाँ पे देखा आपने कि जो लेखक की पत्नी है श्रीमती जी, उन्होंने क्या बोला कि मुझे राइटिंग पैड भी लेके चलना है ताकि जो माँ ने चिट्ठियाँ मुझे लिखी हैं, उसमें मोबाइल नहीं था, तो उन्होंने बोला जो भी राइटिंग पैड लेके चलेंगे तो जो समय मिल जाएगा उसमें मैं माँ की जो चिट्ठियाँ आई हैं उसका जवाब भी दे दूँगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस पूरी तैयारी जो है वो एकदम चरम सीमा पर पहुँच गई है। एक दूसरे को बोलते हुए फिर लेखक को उनकी पत्नी बोलती है, और सुनो बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, बीमा LIC उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, लेकिन इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप होती है। किस तरह से लेखक और उनकी पत्नी एक दूसरे का ध्यान रखते हुए सभी चीज़ों को रखते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई भी चीज़ भूलना नहीं चाहिए। तो बच्चों, ऐसी भावना हमारे अंदर भी होनी चाहिए। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। अब जो श्रीमती जी ने लिस्ट तैयार की थी, सूची के अनुसार उनके पास सब कुछ हो गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए वो घबराए थे, थोड़ा टेंशन में थी कि नेल कटर इसे बच गया, बाकी तो सबने सब चीज़ों की लिस्ट मैंने बना के रख ली है। तो लेखक ने कहा, मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भरते जा रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी और सोचता था कि फुर्सत में समालोचना कर दूंगा। बच्चों, समालोचना का मतलब होता है किसी भी विषय पर आलोचना करना, अगर वो अच्छा है तो अच्छा बोलना, बुरा है तो बुरा बोलना, उसे हम बोलते हैं समालोचना करना। ठीक है, किसी के बारे में भी बोलना, लेकिन जो भी विषय रहे उसमें आपको सम आलोचन, कोई भी आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए कि बुरा भी है तो उसे आपको अच्छा नहीं बोलना है, जैसा भी रहे उसे आपको उसी तरह बताना चाहिए। तो लेखक बोलते हैं कि मैं अपने लिए सब चीज़ों की पैकिंग हो चुकी थी, लेखक अपने नए अखबार जो पढ़े नहीं थे वे रख ले और वे पुस्तकें भी रख ले जो बहुत दिनों से आई थी, क्योंकि इन दोनों का मानना था कि ऐसी चीज़ें भी ले लो जो अभी तक हम लोग नहीं कर पाए हैं, तो खाली समय में एटलीस्ट उसका काम हम लोग कर लेंगे। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली अर्थात डाल लिया, रख दिया। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी, आपको पता ये लेखक कवि भी हैं, लेखक भी हैं और संपादक भी रह चुके हैं, तो इन्हें आदत थी कविता लिखने की, तो उन्होंने
सोचा कि हाँ कविता भी लिखूंगा, क्योंकि उन्हें बहुत मन था कविता लिखने का, बहुत दिन हो गया था लिखकर। उनकी कई कतरने इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। कतरने मतलब उन्होंने कुछ कुछ कविताओं की कुछ कुछ पंक्तियां बनाई हैं जो इधर उधर पड़ी हुई हैं। तो उन्होंने सोचा कि सब एक साथ में समेट लेता हूँ, ताकि वहाँ पे जब समय मिल जाएगा तो उस समय के दौरान मैं अपनी पूरी जो लिखावट है, जो पंक्तियां हैं, उसे एक बराबर करके एक कविता तैयार कर सकता हूँ। उन्हें भी जमा किया, सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। बच्चों आप सबको पता है, ऐसा बोला जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो जहाँ पे भी आपको पता है कि जहाँ पे सूर्य भगवान की रोशनी नहीं पहुँच सकती है, वहाँ तक कवि की सोच पहुँचती है। तो कवि ऐसा ही व्यक्तित्व होता है, लेखक ऐसा ही व्यक्तित्व होता है। जहाँ पर वे जाते हैं वहाँ की चीज़ों को वो अपने लिखावट पे, अपने लेख के द्वारा लोगों के सामने प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसीलिए कहावत बहुत सार्थक सिद्ध होती है यहाँ पर, कि जहाँ न पहुँचे कवि सॉरी रवि वहाँ पहुँचते हैं कवि। तो यहाँ पर आपने देखा कि जितनी भी जरूरत की चीजें हैं सबका जमावड़ा जो है वो लेखक और उनकी पत्नी एक एक करके करते जा रहे हैं, ताकि कुछ भी वे भूले नहीं। आखिर कई अटैची कई थे अटैची मतलब सूटकेस जो जिसमें सामान रखा जाता है, कई थैले कई झोले भरकर पूरी तैयारी हो चुकी है, हम जुहू पहुंचे। फाइनली वे जुहू पहुंच गए। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। स्वप्न लोक मतलब वे चीजें जो हम लोगों ने बहुत दिन के बाद प्लान किया हो, और हम हमारी चीजें जो रहती हैं कि हम वहां पर आते हैं तो अपने विचारों को हम वहां पर रोक नहीं पाते हैं। बहुत सारे जो विचार हैं हमारे मन में उमंग लेने लगते हैं कि क्या करेंगे हम, आगे क्या होगा, कितना सुंदर दृश्य है, ये सब। तो ये स्वप्न लोक के जैसा ही था उनके लिए। हम समुद्र में नहाने को चले गए। वहाँ समुद्र में बहुत लोग नहाते हैं जब वहाँ पे जाते हैं बीच पर, तो वहाँ पर नहाने के लिए चले गए। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। बच्चों आप सब लोग जाते हो जुहू बीच पर, हम सब जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि नहाते वक्त एक बहुत बड़ी सी जब लहर आती है तो सडनली जो लहर के अंदर होता है ना, वहाँ पानी पूरा हमारे ऊपर से चला जाता है, और वह जो दृश्य होता है वो बहुत ही मनमोहक और लुभावना होता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे लेखक ने कहा है कि ढक लिया लहर के उस थप्पेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई, कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की तो तुमने बंद अंदर से बंद कर दिया था या नहीं। तो यह बहुत सही बात श्रीमती जी ने पूछी है। हम चाहे जिधर जाएं, हम बाहर भी जाते हैं ना, तो हमारा जो काम रहता है ना, हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। उसी तरह से जिस तरह से लहर जैसे उनके सर पे गई, तो तुरंत ही जो श्रीमती जी है वह एकदम अलर्ट हो गई, स्फूर्ति आ गई उनके अंदर, एनर्जी आ गई। और उन्होंने पूछा कि आपको मैंने बोला तो था कि खिड़की बंद कर लेना, कि आपने बंद किया है कि नहीं, अब यहाँ पे जो आगे क्या होता है वह देखिए। मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। आप सबको पता होता है कि जो अगर आप पति पत्नी या जो भी जेंट्स लेडीज रहते हैं, अगर उनमें आप तुलना करोगे तो पुरुष स्त्री में, पुरुष बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, जो चीज़ें आराम से आसानी से जो स्त्रियाँ होती हैं वे याद रखती हैं। तो यहाँ पर उनके पत्नी के पूछते हैं कि क्या आपने बरामदे की खिड़की को अच्छे से बंद किया था अंदर से। लेखक कहते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं याद है कि शायद मैंने बंद किया था कि नहीं। अगर वो बंद नहीं हुई और खुली रह गई तो क्या होगा। कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। रंग पीला पड़ जाना का अर्थ होता है बच्चों घबरा जाना, क्योंकि उन्हें डर था अगर खिड़की खुली रहेगी तो कुछ भी हो सकता है, कुछ परेशानी आ सकती है घर में। तो यह सोचकर उनका जो रंग था वह उनके चेहरे का रंग एकदम पीला पड़ता जा रहा था, कहीं ना कहीं उन्हें घबराहट हो रही थी। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आँखों उनकी मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते होठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा। क्योंकि पत्नियां जो होती हैं वो बस समझदार होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो पति वो समझदार नहीं होते हैं। हर स्त्री को अपने जो घर की ज़्यादा चिंता होती है, अगर आप किसी और से उसकी तुलना करोगे तो यहाँ पर आपने देखा कि लेखक के जो पत्नी है श्रीमती जी, उन्हें डर लग रहा है कि आखिर अगर भूल गए रहेंगे लेखक बन करना तो अब क्या होगा। हम तो यहाँ हैं तो हमारे घर का क्या होगा, वो तो हमारा आशियाना है, अगर कुछ हो गया अनाप सनाप तो क्या करेंगे हम। तो आपने देखा यहाँ तक, अब आगे देखते हैं क्या होता है। और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। आप सबको पता है कि जुहू लेखक और उनकी पत्नी क्यों गए थे, ताकि जो उनका स्वास्थ्य था
वह अच्छा हो जाए और थोड़ा सा उन्हें विश्राम मिले। विश्राम को आप बोल सकते हो कि पूर्ण विश्राम मिले। लेकिन यह जो सोच, यह जो विचार एक उनके मन में आ गया अचानक, इस विचार ने उनको यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि हमारा घर कैसा होगा, हमारे घर की हालत कैसी होगी। और आपने देखा कि लेखक बोलते हैं कि जिस धड़कन का इलाज करने में जुहू आया था वह 10 गुना और बढ़ गई, क्योंकि दोनों जन को कहीं ना कहीं चिंता होने लगी कि घर का हाल क्या होगा। मैंने तेजी से मोटर चलाई, मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। इंजन धक धक करके चलता क्योंकि उसका स्वभाव है, लेकिन लेखक क्या बोलते हैं कि मेरा जो दिल था उसकी धड़कने जो थी वे तो इंजन से भी ज्यादा धड़क धड़क कर रही थी। जिस रफ्तार से हम घूमने गए थे दूनी रफ्तार से, उससे दुगना रफ्तार से हम वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी। चटकनी जो अंदर का उसका छण जैसा रहता है ना, उसको बोलते हैं बदस्तूर, जो अपना जो हम लोग लॉक जैसे लगाते हैं उसको बदस्तूर बोलते हैं, लगी हुई थी। सब ठीक ठाक था, मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर भूल गया था कि लगाई है या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग, साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह होता है, हो जाता है। बच्चों यहाँ पर लेखक का जो अनुभव था उस हिसाब से उन्होंने बताया है कि बहुत भाग दौड़ करने के बाद तो हम लोग घूमने के लिए गए थे, लेकिन मेरी याददाश्त बराबर न होने के कारण हम लोग को जल्दी ही वापस आना पड़ा। और जितना घबराया हुआ मैं था उससे कहीं ज़्यादा मेरी पत्नी जो है श्रीमती जी थी वो घबराई हुई थी। आपने देखा इस पाठ में तो यहाँ पर अंतिम पंक्तियों के द्वारा लेखक कहते हैं कि हमें बोला तो गया था कि आप पूर्ण विश्राम कीजिए, आप पूर्ण निरोग हो जाएंगे, लेकिन अब लेखक को यह एक बात पक्का पता चल गया था कि जिस किसी भी शब्द के साथ अगर पूर्ण लग जाता है तो वह जो शब्द है या वह जो कार्य है वह पूर्ण भयावह हो जाता है, क्योंकि वे अपने अनुभव के हिसाब से यह बात कह रहे हैं। तो बच्चों यह पूरा पाठ यहाँ पर समाप्त होता है, और यहाँ पर हमने देखा है कि किस तरह से जो मनुष्य की चिंताएं होती हैं, जो उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, वो उनका पीछा कहीं भी नहीं छोड़ती हैं, और यही जिम्मेदारियां हमें पूर्ण रूप से निरोग भी नहीं होने देती हैं। हम जितना सोचते हैं कि हम पूर्ण विश्राम करें, हम कहीं घूमने जाएं, हम कहीं अपने आप को थोड़ा सा अपने मन को बहला लें, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वे हमारे साथ में ही रहती हैं। तो चाह कर भी न चाह कर भी जाने अनजाने में इन जिम्मेदारियों की वजह से हमें सब कुछ देखना होता है। इसलिए इस पाठ के द्वारा लेखक ने हमें बताया है कि जितना स्वास्थ्य जरूरी है उतना ही हमें अपने कामों पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन काम के साथ साथ में हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना अति आवश्यक है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि यह पाठ आप सबको समझ में आया होगा। यह कहानी बहुत ही सुंदर थी और आपको यह कहानी समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हम पूर्ण विश्राम के बारे में आज पढ़ चुके हैं। अब फिर से जो भी इसका कठिन शब्द रहेंगे, शब्दार्थ रहेंगे, मुहावरे रहेंगे और इसके कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं अभ्यास के दौरान, और आपको असाइनमेंट भी जाएगा, तो उसमें जो प्रश्न उत्तर रहेंगे उसे भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर अगर आप अपने बुक में लिख के रखते हैं, तो परीक्षा के दौरान आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह पार्ट समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं आगे इसमें जो कठिन शब्द क्या है। देखिए, नोट करना, लिखना। 1 गैलन लगभग 4 लीटर के अनुसार होता है 1 गैलन। पया धुनी, पाई पीठ। मुआवना, निरीक्षण। चरम, अंतिम। धोकनी, हवा बनना। दत्तचित्त हो जाना, एकटक हो जाना। महत योजना, महान योजना। गुलबन, मफलर। करारी धूप, तेज धूप। समालोचना गुण दोष का विवरण मैंने आपको बताया था। ये बात कतरने, छोटे छोटे टुकड़े। अटैची, सूटकेस। जूहू, मुंबई का समुद्र का किनारा। टट, किनारा। अधीरता, धैर्य न होना। रफ्तार, गति। चटखनी, खिड़की की कड़ी। नतीजा, परिणाम। भयावह, घबराना। तो बच्चों ये सारे जो पूरा पाठ हम लोगों ने अब देखा है, पहला वीडियो और आपका वीडियो मिलाकर, ये पूरे जो आप कठिन शब्द देख रहे हैं वह आपको यहाँ पे मैंने पूरा दिया हुआ है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको जितने भी कठिन शब्द है उसका अर्थ मिल जाएगा। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था, 4 मुहावरे। आंखों से ओझल होना, गायब होना, इसके मैंने वाक्य पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ था। आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं। चेहरे का रंग पीला पड़ना, घबरा जाना। धुन सवार होना, लगन होना। हाथ बटाना, सहायता करना।
अब हम थोड़ा सा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। देखिए तीसरा प्रश्न है पर्यायवाची शब्द अर्थात समानार्थी शब्द। ऐनक, ऐनक का क्या हो सकता है? चश्मा, उपनेत्र। रात, रात का पर्यायवाची क्या होगा? रात्रि, निशा, और ऐसे बहुत कुछ होते हैं, लेकिन आपको मैंने यहाँ पे दो दो उदाहरण दिए हुए हैं इसके। अखबार, समाचार पत्र या वृत्त पत्र। चौथा है आपका घर, घर का क्या होगा समानार्थी बच्चों? गृह और सदन। अब आपको ऐसा भी प्रश्न आया था, देखिए आपके बुक में टेक्स्ट बुक जो है, कोई पुस्तिका जो है उसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित समोच्चारित भिन्नार्थक हिंदी शब्दों के अर्थ लिखो तथा उन शब्दों का अलग अलग पूर्ण वाक्यों में प्रयोग करो। आपको यहाँ पे पांच शब्द दिए हुए बच्चों, हार, वार, हल, सीना, ज्वार, सुमन, छह शब्द दिए हुए हैं। आप उनके हर एक शब्द का दो मतलब है, यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है, उस अर्थ को बताएंगे और उसे अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। थोड़ा सा ये ब्लर है पिक्चर, लेकिन मैं आपको रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला है हार। हार का एक अर्थ होता है पराजय, लेकिन दूसरे हार का अर्थ क्या होता है? गले में पहनने का आभूषण, आप सबको पता है नेकलेस। पहला हम देखते, तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए, मेरी माँ ने मुझे सोने का हार दिया। तो पहला आपको क्लियर हो गया। दूसरा वार, वार मीन्स चोट करना, आघात देना, और वार का मीन्स होता है दिन, सोमवार, मंगलवार, आप सबको पता है। तो शत्रु पर वार करो, आज रविवार है। हल, खेत जोतने का औजार, हल को हम खेत में देखो जोतने के लिए खेत को औजार यूज करते हैं, उसको भी हल बोलते हैं, और हल का मतलब होता है समाधान भी। किसान खेतों में हल चलाते हैं, हर समस्या का हल संभव है। सीना, सीना मतलब सिलना, जो हम लोग कपड़ों को सिलते हैं उसको भी बोलते हैं सीना, का होता है शरीर का एक भाग, अपना जो सीना होता है उसे हम, ये हमारे जो चौड़ी छाती जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे ये पार्ट जो दिख रहे हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सीना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, वह कपड़े सीना जानती है, और जो दूसरा शरीर का एक भाग है सीना, उसका मतलब वीर पुरुष चौड़े सीने वाले होते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी हमेशा करते हैं कि कहते रहते हैं, आपने सुना होगा उनकी वीडियो में, कि मेरा जो सीना है वो कितना है? 56 इंच का है। मतलब जो वीर पुरुष होते हैं उनके सीने जो होते हैं वे चौड़े होते हैं। ज्वार, ज्वार का मतलब होता है उफान उठना, नदियों में, समुद्र में आपने देखा होगा पानी जो बार बार उठता रहता है उसे क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा, आपने सुना होगा। तो ज्वार, और ज्वार का मतलब होता है समुद्र की लहरों का ऊंचा उठना, और ज्वार का मतलब होता है उठान या उठना भी, दोनों ही होता है। तो हम पहला देखते हैं, मेरे हृदय में दुख का ज्वार आ रहा था। दूसरा है, समुद्र में ज्वार के समय खतरा बढ़ जाता है, इसलिए मछुआरों को देखो बार बार सलाह दी जाती है कि आप वहाँ पे मत जाइए। फिर जो छठा शब्द है बच्चों, वो है सुमन। सुमन का एक अर्थ होता है फूल, और दूसरा अर्थ होता है पुत्र। सुमन खुशबू बिखेरते हैं, सुमन को घर का चिराग कहते हैं। बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने सब कुछ देख लिया है, जितने भी आपको शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं उनके दो दो अर्थ क्या हैं, उनका किस तरह से वाक्य में प्रयोग किया गया है। तो इन सब चीज़ों पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ताकि एग्जाम में अगर आपको परीक्षा में आता है तो उसे आसानी से आप कर सको और अच्छे अंक प्राप्त कर सको। तो अब इतना, अब मैंने आपको पिछले वीडियो और इस वीडियो में मिलाकर मैंने आपको बहुत कुछ प्रश्न उत्तर अपने आप से मैंने उत्तर भी दिया है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका पत्र लेखन विभाग हो चुका है, तो एक मैं आपको छोटा सा जो है औपचारिक पत्र दूंगी, जिसे आप होमवर्क, गृह कार्य आपका रहेगा, ये करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है, कोई साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप से प्राप्त होने में विरोध करते हुए संपादक को निम्न प्रारूप में पत्र लिखिए। आपको देखो प्रारूप भी मैंने यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, इसी जो प्रारूप के अनुसार आपको आपका पत्र या औपचारिक पत्र आपको तैयार करना है। आठवीं कक्षा में औपचारिक अनौपचारिक दोनों पत्र आपको पढ़ाया गया है, इसलिए आप यह जो है आपका एक गृह कार्य छोटा सा, इसे आप करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका साथ साथ में पाठ एक पत्र भी लेखन जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का आपका जो भी आज का जो अपने वीडियो पढ़ा है हिंदी कालांश में, वह सब आपको समझ में आया होगा, और यह पाठ जो है पूर्ण विश्राम, वो आपको अच्छी तरह से समझा होगा। तो प्रश्न उत्तर लिखकर इस पाठ को आप समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझेंगे तो आपको परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अगले वीडियो में हम फिर कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।